हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़। मेरा नाम है खुशविंदर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगेती सब्जी वर्गीय फसल का टाइम शुरू होने वाला है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो सब्जियां लगाई जाएंगी उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, और आप अपने खेत की जुताई करके तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास गोबर खाद है तो वो 2-3 ट्राली 1 बीघा के हिसाब से डाल दीजिए। तो जो रसायन खाद डलेगी उसको अपने जब खेत तैयार करना है तो तब बताएंगे। एक बार अपने खेतों को जुताई करके गोबर की खाद डालकर अगर कंप्यूटर लेवलर लगने वाला है वो लगवा लीजिए, मतलब कि अपनी तैयारी कर लीजिए, तैयारी खींच लीजिए। जो समय है वो 15 से 20 दिन का रह गया है। अपने खेतों को जुताई करके छोड़ दो, कचरा वगैरह जो खरपतवार है वो सब सूख जाएगा और आपके खेत की मिट्टी को हवा लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो अगेती फसल में सब्जी फसल में जो आने वाली किस्में हैं वो अगेती मटर है, गूंदली है जिसको कच्चा प्याज बोलते हैं, चप्पल टिंडा है, और भी अगेती आलू की फसल है वो भी लगा सकते हैं। अभी उसका 20 दिन बाद सही समय चालू हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मूली भी लगाना चाहते हो तो अभी भी आपको बम्पर उत्पादन मिल जाएगा, लेकिन रेट्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर 7-8 रुपये किलो भी बिक जाती है 1 महीने बाद मूली तो भी दिक्कत नहीं है, आप फिर से मूली लगा सकते हो। मेरी ये मूली की हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, 1 छंटाई हो चुकी है, लगभग अच्छा उत्पादन मिल रहा है मेरे को, रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। तो मेरी तो फेवरेट जो सब्जी रही है इस बार की मूली है। इस बार फिर मूली, ये हार्वेस्टिंग के बाद एक बार से फिर मूली लगाऊंगा, उसके बाद फिर आलू लगाऊंगा। ये मैंने इस ज़मीन में धनिया, मेथी और गाजर लगाया था, वो बारिश के कारण फसल ख़राब हो गई। अब दूसरी बार मैं इसमें अगेती मटर लगा रहा हूँ। अगेती मटर के अलावा गूंदरी लगा रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी लगा रहा हूँ और कैसे कैसे लगा रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशल मैं आपके लिए इसीलिए बनाई थी कि आप अपने खेत की जुताई करके अपने खेत अच्छी से तैयार कर लो, कि जो आपके उत्पादन मिलना है वो बहुत अच्छा मिले। तो जो किसान की एक सबसे पहल होती है वो खेत को अच्छे से जोतने से ही शुरू होती है। अगर आपका खेत अच्छी से तैयार है तो ही आपको फसल अच्छा मिलेगा। ये बेसमेंट है, ये जो शुरुआत है ये आपको अच्छे से करनी होगी, बढ़िया से करनी होगी। 2-3 जुताई डालकर तोते से कर लो, तवियां हैं, लाऊ हैं, एकदम बढ़िया से जुताई करके अपने खेतों की तैयारी करके छोड़ दीजिए। गोबर की खाद है वो डाल लीजिए, उसके बाद जैसे समय आएगा तो मैं आपको पहले ही आपको 2-4 दिन वीडियो डाल दूंगा कौन सा बीज लगाना है और किस विधि से लगाना है। तो इसी प्रकार मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी डाल देना। अगर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।